शायद बहुत कम पाकिस्तानी इस हकीकत से वाकिफ हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ना भी होते तो फिर भी वो माली लिहाज से इस कदर मुस्तहकम थे कि इनके असासों की मालियत का मवाजना आज के दौर से किया जाए तो इनकी हैसियत 2 अरब डॉलर से जायद हो सकती है, जो रुपयों में 3.5 खरब रुपये बनती। मारूफ मुहक्किक और नामवर ब्यूरोक्रेट डॉक्टर साद खान ने सन 2020 में छपने वाली अपनी किताब मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह दौलत जायदाद वसीयत में कायदे आजम के असासों से मुतालिक बहुत तफसील से लिखा है। वो लिखते हैं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसीयत 30 मई सन 1939 को लिखी थी, जो इस्माइली मुरव्वजा कानून के तहत थी। ये कानून इन्हें अपनी मर्जी से हिस्से मुतय्यन करने की इजाज़त देता था। वसीयत के 2 हिस्से थे, पहला हिस्सा खानदान के अफराद से मुतालिक है, जबकि दूसरा पाकिस्तान और भारत के कई इदारों के नाम अपनी विरासत छोड़ता है। इसके बाद कायदे आजम 9 साल तक जिंदा रहे, पाकिस्तान भी बन गया, मगर इन्होंने अपने रिश्तेदारों और तालीमी इदारों के हिस्सों में कोई कमी बेशी नहीं की। इनमें इस्लामिया कॉलेज पिशावर, सिंध मदरसतुल इस्लाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अंजुमन इस्लाम स्कूल बम्बई, अरबिक कॉलेज नई दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई शामिल थे। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अली से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बनने का सफर तो तारीख में बहुत तफसील से बयान हुआ है, मगर एक आम इंसान से खरबपति बनने की दास्तान से कोई वाकिफ नहीं। डॉक्टर साद खान अपनी किताब में लिखते हैं कि सन 1990 में बतौर रेजिडेंसी मैजिस्ट्रेट उनकी तनख्वाह 1500 रुपये महाना थी, मगर उन्होंने 6 माह के अंदर ये कहकर इस्तीफा दे दिया था कि इतने पैसे वो रोजाना कमा लिया करेंगे। फिर वो दिन आ ही गया जब उनका शुमार हिंदुस्तान के काबिल तरीन और महंगे वकाला में किया जाता था। उन्होंने वकालत से जो पैसे कमाए उनसे सरमायाकारी की। सन 1926 में बम्बई डाइंग, टाटा स्टील और ट्रामवे कंपनी में इनके हिस्स की मालियत 14 लाख रुपए थी, जो आज की करेंसी के हिसाब से 68 करोड़ रुपये बनती है। इस अरसे में कायदे आजम का शुमार हिंदुस्तान के चोटी के 10 सरमायाकारों में होने लगा था। इसी साल जब वो अपनी पहली बेगम रत्ती जिनाह के साथ छुट्टियां मनाने श्रीनगर की डल झील गए तो वहां बेगम जिनाह ने एक हफ्ता गुजारने के लिए तैरती कश्ती की तजयीन व आराइश पर 50,000 रुपये खर्च कर दिया। उस जमाने में इस रकम से कराची या लाहौर के पोश एरिया में 4 कनाल का बंगला मिल जाता था। कायदे आजम उस जमाने में कराची, बम्बई, दिल्ली और लाहौर में प्राइम लोकेशंस पर इंतहाई कीमती जायदादों के मालिक भी थे। उन्होंने सबसे पहले जो जायदाद खरीदी वो बम्बई में लिटिल गिब्स रोड पर वाके एक बंगला था। उसके साथ 4 मंजिला इमारत मेफर फ्लैट नामी थी, जिसमें 8 फ्लैट थे। ये इमारत उन्होंने खरीद कर किराए पर चढ़ा दी, जिसे उन्होंने सन 1943 में 10 लाख में फरोख करके कराची और लाहौर में जायदादें खरीदी। बम्बई में साहिल पर 15,476 मुरबा गज पर एक शानदार बंगला जो साउथ कोर्ट कहलाता था उन्होंने सन 1916 में सर आदम जी से 1.25 लाख रुपये में खरीदा था, जिसे उन्होंने सन 1918 में अपनी शादी के मौके पर अपनी अहलिया रत्ती जिनाह को तोहफे में दे दिया था। सन 1936 में इन्होंने पुरानी इमारत को गिराकर एक अतालवी कंपनी के जरिए आलीशान बंगला बनवाया, जिस पर उस जमाने में 2.25 लाख रुपये लागत आई थी। ये 3.25 साल में मुकम्मल हुआ था। इस घर में 22 मुलाजमीन इनकी खिदमत पर मामूर थे। मई सन 1947 में इराकी कौंसल खाना ने इसे 18 लाख में खरीदने की पेशकश की, ताहम कायदे आजम ने इसकी 25 लाख रुपये डिमांड की। ये जायदाद जो जिना हाउस कहलाती है उस वक्त से मुकफ्फल है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सिफारती तनाजे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। 3 साल पहले इसकी कीमत का तखमीना 40 करोड़ डॉलर्स लगाया गया था। जिनाह मंजिल दिल्ली कायदे आजम ने सन 1938 में 1 लाख रुपये में खरीदी थी, जहां इनके 19 मुलाजमीन भी रहा करते थे। उस जमाने में इस घर का महाना खर्च 10,000 रुपये था। सन 1947 में कायदे आजम ने जिना हाउस भारत के चोटी के सनदकार और टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक कृष्णा डालमिया को 3 लाख में फरोख कर दिया था। अब ये मकान हॉलैंड के सफीर की रिहायशगाह है, जिसकी मौजूदा मालियत 12 करोड़ डॉलर है। 2.5 एकड़ पर मुहित जिना मंजिल कराची इन्होंने सन 1943 में 1,80,000 रुपये में खरीदी थी, जो अब अजायब घर में तब्दील हो चुकी है, जहाँ कायदे आजम के ज़ाती इस्तेमाल की अशिया रखी हुई हैं। जब कायदे आजम ने कराची का जिना हाउस खरीदा, इसी दौरान इन्होंने जिना हाउस लाहौर भी खरीदा। माल रोड पर 4.25 एकड़ पर मुहित 53 नंबर बंगला 1,62,500 रुपये में खरीदा, और ये सौदा कायदे आजम की जानिब से जस्टिस काजी फायज ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा ने किया था। अब ये कोर कमांडर हाउस है। लाहौर में ही कायदे आजम ने सन 1945 में नवाब इफ्तखार ममदोर से इछरा में 324 किनाल एराजी खरीदी थी। इस एराजी पर आजकल गुलबर्ग 2 और 3 है। इसके अलावा इनके पास लिबर्टी मार्केट में 1.5 कनाल का कमर्शियल प्लॉट, इंडस्ट्रियल एरिया में 10 कनाल का प्लॉट था। कराची में भी कायदे आजम ने मलीर में 12 एकड़ का बाग नवाब ऑफ बहावलपुर से खरीदा था। कायदे आजम ने किमाड़ी में साहिल समंदर पर 20 एकड़ खरीद कर इसमें हट बनवाया। ये जगह मोहतरमा फातिमा जना की वफात के बाद 1.11 करोड़ में फरोख करके रकम कायदे आजम ट्रस्ट में जमा करा दी गई। आई आई चंद्रीगढ़ रोड पर तकरीबन 4 कनाल पर
एक कमर्शियल प्लाजा भी इन्होंने खरीदा था, जिसे बाद में मोहतरमा फातिमा जिनाह ने दादा भाई को फरोख कर दिया था। अपनी वफात से 15 दिन पहले भी इन्होंने मैकलोड रोड पर मौजूद आई चंडीगढ़ रोड पर एक कमर्शियल बिल्डिंग 10 लाख में खरीदी थी। ये बिल्डिंग एक साल बाद मोहतरमा फातिमा जिनाह ने एक बैंक को 16 लाख में फरोख कर दी, जिसमें आज स्टैंडर्ड चार्टर बैंक कायम है। फ्रेयर हाउस कराची में 10 कनाल का एक बंगला भी कायदे आजम की मुमकिन जायदादों में से है, जहां आजकल पार्क टावर नामी प्लाजा है। इसी फहरिस्त में सिविल लाइन नंबर 1 में 9 कनाल का बंगला भी आता है। याद रहे कि कायदे आजम ने 36 बरस की उम्र में ही मुख्तलिफ कंपनीज के हिस्से खरीदना शुरू कर दिए थे। इन्होंने सिंप्लेक्स मिल में 1,25,000 की सरमायाकारी की। आप इस मिल के तीसरे बड़े शेयर होल्डर थे। सन 1927 तक आप 11 बड़ी कंपनीज के हिस्से के मालिक बन चुके थे, जहां से आपको सालाना अच्छी खासी रकम बतौर मुनाफा मिल रही थी। 1943 से 1945 के दरमियान कायदे आजम ने मुख्तलिफ सनतों में 8 लाख से ज्यादा की सरमायाकारी की। बम्बई में वाकई कायदे आजम के अजीमुशान बंगला साउथ कोर्ट को जब भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करने पर तैयार ना हुई, तो हुकूमत ने मोहतरमा फातिमा जनाह को इसके बदले में मतरूका जायदाद मोहट्टा पैलेस अलॉट कर दिया। सन 1999 से इसे अजायब घर में तब्दील कर दिया गया है। कायदे आजम के 12 बैंक अकाउंट्स भी थे, जिनमें 4 बरतानिया में थे। तकसीम के बाद इन्होंने अपने तमाम खाते हबीब बैंक कराची में मुंतकिल कर दिए, जिनकी मालियत उस वक्त 62 लाख थी। 2 फरवरी सन 1948 को आपने बैंक से 61 लाख रुपए कर्जा हासिल किया, जिसमें 35,35,000 मुस्लिम लीग के हवाले कर दिए। 4 अगस्त को इन्होंने खराबी सेहत की बिना पर बैंक से कर्जे की मनसूखी इस्तदा की और ना सिर्फ पूरे 61 लाख वापस कर दिए, बल्कि बैंक ने 1,07,658 रुपए और 12 आने का सूद भी कायदे आजम से वसूल किया। कायदे आजम के बतौर गवर्नर जनरल महाना तनख्वाह 10,476 रुपए और 10 आने मुकर्रर हुई थी, जिसमें से 6,112 रुपए टैक्स कटौती के बाद आपको 4,304 रुपए और 10 आने मिलते थे। लिहाजा ये कहना बेजाना होगा कि बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह रहमतुल्लाह अलैह आज के हिसाब से एक खरबपति इंसान थे। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।